हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा जी, हैप्पी दिवाली। आपने पटाखों की दुकान खोल ली, इस सारे लोगों का मुंह बंद होगा जो कहते थे ना अर्चना कुछ नहीं करती। मैंने नहीं खोली। अच्छा, लोग सही कहते थे फिर। अगर आपने भी नहीं खोली तो ये दुकान खोली किसने? अरे हमने खोली है। अर्चना जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे आप फटे नहीं आलू बम? जितनी रात को आपने रोटियां पेली 165, मुझे तो लगा आप फट गए होंगे अभी तक। क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने। वैसे रोटियां मुझे सूट करती है, मुझे वो सूट नहीं करता। क्या वो इलायची? नहीं नहीं, वो जब कोई घर से निकाल देता है तो। तो आप वो खाया करो अपना, बाबा का वो आता ना चूरन। नहीं, जहर। मजाक कर रहे हो? मजाक मजाक नहीं करो तो क्या करूं, केबीसी में आए हो? सवाल पूछ के 5,000 रुपया जुटाऊं आपको मैं? एक हाथ का तमाचा, दो हाथ की ताली, मेरे जीजा को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओए ये देखो, चूहों का शाहरुख खान। एक हाथ का तमाचा, वाह 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 वाह। नहीं, यही तमाचा तेरे मुंह पे मारूंगा, नेवले कह के चल भाग। ये दुकान तुम लोगों ने खोली है? नहीं, दुकान ने हमको खोला है। मजाक करते हो? और नहीं तो क्या, केबीसी में आया हूँ, जवाब देके 5,000 रुपया लेके जाने का। अर्चना जी देख रही हैं आप कितने बेशर्म लोग हैं, ये लोग कारोबार खोल के बैठे, लोगों को बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। अरे जीजा ये सब छोड़ो, आप हमारी दुकान के पहले ग्राहक हो तो कुछ बुहनी कर दो। मैंने ना रद्दी वाले को बुला के ना 14 रुपए किलो के हिसाब से तुम दोनों को बेच देना। मैंने बकवास करते, शर्म नहीं आती? हटाओ यहाँ से अपनी दुकान, चलो। अरे क्या कर रहे हो? भगाओ यहाँ से। अरे हटाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? हैप्पी दिवाली कप्पू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये क्या कर रहे हो? दिवाली पे कौन गले मिलता है? त्योहार गले मिलकर नहीं मनाते? अच्छा, गले मिलके मिलाते हैं। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अंकल किधर जा, इधर किधर गले लग रही, गला है इधर। तो मैं गोली के गले में लेती हूँ। ओए, इसको तो पूरे टीके नहीं लगे अभी तक, उसके तुम गले लग रही हो। अच्छा तो मैं किसके गले में लूँ? एक तो दिवाली पे लाखों करोड़ों दिए जल रहे, इसके दिमाग की बत्ती पता नहीं कब जलेगी। मुझे गले लगना है, मेनू जफ्फी पानी है। तमाम मला मिट्टी मार, मला मिठी मार। तू माजी आहेस, तू माजी आहेस, मी तुझी आहेस। समझ रही है कि नहीं तुम? ओके ओके, हैप्पी दिवाली। ओह माय गॉड, पटाखे। आई लव पटाखे। कप्पू, मैं पता यही खरीदने जा रही थी। हाँ तुम्हारे लिए तो लगाई सारी दुकान। हाँ, जितनी शिद्दत से तुमने पटाखे जलाने की कोशिश की है, उतनी ही साजिश तुम्हारे कप्पू ने तुम्हें पटाखे बेचने की है। ये तुम्हारी दुकान है गजल, लूट लो। तुमने मेरे लिए पूरी दुकान खोली? हाँ। You are so sweet। ओए, दुकान हमारी है। लेकिन अंदर जो फ्रिज में मिठाइयां पड़ी है ना, हाँ? वो मेरी है। ये लो चाबी, पेल दो, जाके पेल दो। कप्पू, मुझे पटाखे दिखाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन आंखों की नमकीन मस्तियां, इन होंठों की बेपरवाह गुस्ताखियां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है दिवाली, जब तक है दिवाली। ये क्या मतलब है? मतलब तुमने खुद ही तो कहा मुझे पटाखे दिखाओ, मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पटने रही हो। अरे मैं इन पटाखों की बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कोई ऐसी फुलझड़ी दिखाओ ना जो मेरी लिपस्टिक से मैच करे। अच्छा तो रॉकेट मुंह में डाल के चलाओगी तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल फुलझड़ी है, ये देखो। मुआ फुलझड़ी। मुआ फुलझड़ी? इसको अकेले नहीं चलाते, ये किसी के साथ ही चलानी पड़ती है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ चलाओ। उसके मुंह में ये अनार बम चलाओ बुढ़े के। छोड़ो ये सब, ये ले लो तुम डांसिंग चक्री, ले लो डांसिंग चक्री। हाँ। ये क्या है? ये डांसिंग चक्री है, इसको जब चलाते हैं ना तो डांस करना पड़ता है। अच्छा। वो भी रोमांटिक। अच्छा? हाँ, ये
अच्छी है, ये दे दो, मैं घर जाके चलाती हूँ। घर जाके नहीं चलाते, जिससे लेते हैं उसी के साथ चलाते हैं और उसके साथ डांस करके पटाखों के पैसे वहीं के वहीं माफ करवा देते हैं। हाँ वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुमने जिससे ली थी उससे डांस किया था? उसके साथ भी किया था, उसके बाप के साथ भी किया था, तुम भी मेरे साथ करो। क्यों बाहर आप पटाखे चला रहे हैं? मैं अंदर रियाज कर रहा हूँ, आपके रियाज की वजह से मेरे पटाखे डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आपके पटाखे की वजह से मेरा रियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके कंधे के पास कुछ गंदा सा लगा हुआ है। कहाँ? अरे नहीं, आपका मुंह है। तुम छींक आ रही, पीछे हट जाओ। बताओ तुमने इनके साथ डांस किया तो जाओ अंदर, मैं डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अबे चल बे खजूर। और मैं अंदर क्यों जाऊं? देखिए ना उस्ताद जी, कप्पू ने पटाखों की दुकान लगाई है। पटाखे? ये पटाखे तुमने मेरे लिए लगाए हैं कप्पू? पटाखे? ये कहां से रो रहे हो कप्पू? मैं ये ले लूं? दुकान बंद है, कहो यहां से। दुकान बंद है मतलब मैं भी कुछ नहीं ले पाऊंगी? तुम्हारे लिए दुकान बंद नहीं है जानू, तुम्हारे लिए ड्राई डे है। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाओ, मैं खरीद सकती हूं? गलत है। नहीं, ये सही चल रहा है, पटाखे नहीं ले रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को? कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और तुम लोग देख के एंजॉय करो। नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूं, तालियां बजाना चाहता हूं। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोज टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेकर दूंगा तुमको गजल। ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई, अब कितने की है? ये मिठाइयां नहीं है, जब मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा, ये इतने की मिलेगी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा? मैं हूं ना, आप जो सोच रहे थे वो सोचिए, आप सोचिए क्या, मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। तुम मेरे साथ चलो कपू। ये क्या? ले जाओ, खबर चार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बहला फुसला नहीं रहे, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। पागल हो तुम? और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। जब मम्मी पापा, आप मेरी मम्मी पापा हो? ओह गॉड, पापा, मम्मी, मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा, मेरे को पटाखे दिलाओ। पापा, मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाकर किताब पढ़ो, एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। यस, तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद, समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को। साहब? साहब? आपने मुझे साहब कहा? अरे बुढ़े, तुमने मुझे साहब कहा तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चेली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ? इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल, तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब, इन्हें ये इन्होंने पूरी मेकअप चला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेगी। ए चिच्चा, बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो
इस उस्ताद का मुंह बचाए सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो उसको कुछ कहने से पहले तुम्हें छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, Kapu. Oh. ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो, ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अपना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू भयंकर रूप इतना फनी होता है मैंने कभी नहीं देखा, नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाया। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। सुन मेरे पति से दूर रहे वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुम जैसे पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस, तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू हेल्प, वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा, क्या कुछ गंदा सा, तुम कुछ गंदा सा, बेबी मत डरो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की बीवी मतलब? किसी की तो होगी तुम। खला चेशाब। बस अगर यह सब लड़ाई इन पटाखों के पीछे है तो आज मैं अपने इन बच्चों को तहस नहस कर दूंगा। तुमने सच में मेरे पटाखों को आग लगा दी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गोवा लेके चलो। सभी को द कपिल शर्मा शो की तरफ से, सोनी टीवी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अर्चना, दिवाली के मौके पे पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है, चाहे कोई देश में रह रहा हो चाहे विदेश में रह रहा हो, हर किसी को अपने घर जाना होता है, दूर दूर से लोग अपने घर आते हैं। तो आज दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ भी देश के अलग अलग जगहों से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, देश से ही नहीं पड़ोसी देश से भी मेहमान आ रहे हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं पंजाब की दहाड़ बुलंद आवाज के किंग, प्लीज वेलकम मिस्टर सुखविंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है पाजी, लव यू, हैप्पी दिवाली पाजी, हैप्पी दिवाली। आइए पाजी विराजमान हो जाइए। और पाजी दुनिया इतने मजे ले रही थी, वो भाई साहब तो ऐसे आपको देख के लग रहा था कुछ सीजनल सांप काट गया आपको, ऐसा आपको। और दोस्तों ये भी शुरुआत है, अब आ रहे हैं राजस्थान की शान। क्या बात है खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत क्या ही बात है, बहुत बढ़िया। आइए आइए सर, हमारे जो अगले मेहमान हैं गुजरात की मिट्टी से हैं, जहां खान पान में तो मिठास होती है, इनके संगीत में भी बड़ी मिठास है। प्लीज वेलकम सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, दिवाली मुबारक, वेलकम सर, वेलकम 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 सलमान भाई, आइए प्लीज विराजमान हो। ये जोरदार तालियां सलीम सर और सलमान सर के लिए। अगले जो हैं ये हमारी इंडस्ट्री के बहुत सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनको सब प्यार से डीएस भी बुलाते हैं, और नाम है देवी श्री प्रसाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया, क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर गाना और कमाल का परफॉर्मेंस, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन सर, सेम है, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड बीइंग ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जो अब आ रही हैं वो बंगाल के रसगुल्ले से भी मीठी हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आकृति ककड़, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए आइए प्लीज, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, अब लग रहा दिवाली आई है। और दोस्तों अब हमारे मंच पे एक खास मेहमान आ रही हैं श्रीलंका से, जिनका हाल ही में गाया हुआ एक गाना इतना वायरल हुआ कि पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वायरल सेंसेशन फ्रॉम श्रीलंका, योहानी, वेलकम टू अवर शो, आइए प्लीज। वेरी नाइस, हमारे सभी मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ अर्चना जी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये सभी कलाकार यहाँ आए हैं, मैं इनका सबका आभारी होता अगर ये काम छोड़ के आए होते। आप मतलब नहीं समझने, बिजी आदमी जो होता है ना, एक दिन सुकून का अपने लिए जरूर रखता है, वो भी इन्होंने हमें दे दिया। सो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सबके आने से हमारी दिवाली स्पेशल हो गई। कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट और ऊपर से अतिथि देवो भव, हमारी योहानी जो है हमारी मेहमान है। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका गाना मानिक के मागे हिते 250 मिलियन से ज्यादा व्यू हो चुके हैं छोटी सी लड़की के। अब अगर 500 मिलियन करने हैं तो किसने बताया था कि ऐसे कपिल शर्मा शो में जाइए ऐसे? You understand Hindi, Yohani? No, there's a problem. I don't. Wow, yeah, let's talk in English, babe. You don't even understand even a single line? Thoda. Par aapne, but you sang so well. I had a lot of learning to do just before I recorded it. Supinder Paji, bolo English jitni aapke paas sari. Ask me something in English. Do you really want me to speak English, bro? क्या बोला आपने? Yohani, you know what? My English is almost in last stage. Doctor said, May God give you strength to understand my English. ये दो लाइनें तो मुझे याद थी, मैंने बोल दी। आगे क्या होएगा? There will be one change. Yeah. In this show, जब भी कोई गाना गाता है, उसको जब appreciation मिलती है, तो कपिल को जफी पाता है, कोई और भी तो है। वी हैव अ बेबी ब्लू इन आवर शो, जस्ट गेस हूज बेबी ब्लू, देयर शी। ये आपको बेबी लग रही, हम तो बाबा जी बुलाते हैं इनको। हैप्पी दिवाली, पूरा जमानो दिवाली है। अच्छा, मामे खान साहब के चेहरे पे इतना नूर मैंने आज तक नहीं देखा जितना आकृति के साथ बैठने से आ गया है। मामे खान साहब कैसा लग रहा है भाई? दिवाली है। सोचा था इतने गेस्ट है, आकृति आप ही के पास आके बैठेगी। दिवाली है। सुखी पाजी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका नाम कुदरतन सुखी है या कोई गर्लफ्रेंड नहीं इसलिए सुखी है आप? एक्चुअली क्या है कि सुखी है लेकिन साथ में इंद्र भी है। आपने काफी वेट भी लूज कर लिया, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। हाँ, वो नहीं, नहीं, हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा। सलीम सुलेमान साहब हमारी इंडस्ट्री के इतने महान संगीतकार हैं, आप सब जैसे जानते हैं सर, दिवाली के मौके पे ना बड़ी स्कीम्स आती हैं, बम्पर ऑफर रहते हैं, एक के साथ एक फ्री। ये दोनों ऐसे हैं जो पूरा साल एक के साथ एक फ्री है। जैसे अभी हाल ही में नवरात्रि का सीजन था तो गरबा में सब अपने अपने पार्टनर के साथ जाते हैं। आप वहाँ पे अपने अपने पार्टनर के साथ गए कि वहाँ पे भी यही जोड़ी थी? नहीं, हम लोग तो शोज ही करते हैं यार, चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, होली हो, बैसाखी हो। सलीम भाई इतने शांत लगते हैं ना जब नॉर्मल बात करते हैं, स्टेज पे देखो कभी इनको आप, ओह आग लगा देते हैं स्टेज पे। क्या बात है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आए हो, मजा आने वाला है। थैंक यू जी। DSP साहब हमारे शो पे पहली बार आए हैं, इतने कमाल कमाल का इन्होंने म्यूजिक दिया है, तकरीबन 20 साल से ये म्यूजिक दे रहे हैं और बड़ी बात है लोग ले भी रहे हैं। तो ये DSP साहब, आप इतना कमाल का काम करते हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं, देश विदेश में शोज करते हैं आप, अभी तक आप अनमैरिड हैं, आपको क्या लगता है शादी कर लूंगा तो DSP से हवलदार ना हो जाऊं? किस बात का डर है आपको? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं सुनी हमने कभी, कोई आपका अफेयर भी नहीं सुना कि जब पकड़े नहीं जाते आप? अच्छी बात हुई आपने नहीं सुना। अच्छा, मतलब कोई है नहीं जी? बस बात खत्म। ये सिर्फ इनका काम ही बोलता है, बातें ज्यादा नहीं करते हैं, मैंने देखा है। मामे खान साहब हमारे पहले ऐसे फोक सिंगर हैं जो कांस में गए, ट्रेडिशनल कपड़ों में, बड़े हैंडसम लग रहे थे, आज भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाई जरा पिक्चर, ये देखिए मामे खान साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में। खान साहब एक बात पूछनी है। हाँ जी। कोई गोरी फ्रेंड बनी आपकी उधर? भाई जी, अपने भारतीय इंडियन वही ठीक है, एंड कपड़ों तो मैंने वो जो वहाँ पर पहने थे, मैंने सोचा आज दिवाली तो मैं आज आपके सामने भी वही पहन। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छी है पोशाक। और इंडिया से जा रहा हूँ, इंडिया के फोक
जो कला लोक संस्कृति उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग भी जब साउथ कोरिया में गए ना तो मेरी बीवी मुझसे बोल रही मैं स्टार अवार्ड्स में जा रहा तो क्या पहनू, मैं तू इंडियन ही पहन, मेरे पास कुछ इंडियन था नहीं। हाँ। तो मैं तू तो पहन। हाँ। और सब जितने वो वहाँ के लोग वो सब पूछ रहे थे कि अरे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल अटायर, हमारी इतना खूबसूरत परिधान है हमारे हिंदुस्तान के, बहुत अच्छा किया आपने। और मैं अर्चना जी मुझे पूछ रही थी, कह रही थी मामे खान साहब ने वहाँ पे जो जैकेट पहना है कांस में आज यहाँ पे भी ये पहना है, काफी जगह पहन के जा रहे हैं तो महंगी बन गई थी इसलिए हर जगह। ऐसा नहीं है, वो अच्छी लग रही है उनपे, बहुत अच्छी लग रही है। आकृति के गाने आप सब जानते हैं, बड़े पॉपुलर हैं बॉलीवुड में भी, उन्होंने कमाल के गाने गए हैं, सैटरडे सैटरडे तो आज भी सबकी जुबान पे है। आकृति, प्रकृति ने आपको बड़ा खूबसूरत बनाया है। मैं बहुत जेन्युइनली बहुत खुश हूँ कि आप हमारे शो पे आई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, हैप्पी दिवाली आपको। थैंक यू, आपको भी हैप्पी दिवाली। क्या पेश करें आपके लिए, मिष्टी दही क्या क्या? हम लोगों ने बहुत साल पहले बहुत सारे शोज किए साथ में। जी जी जी। और मुझे तब इतना नहीं पता, जब उन्होंने बोला कि बंगाल से आकृति ककड़, मैं कह यार आकृति तो दिल्ली में भी रहती है। पर आप बंगाल में भी काफी आपका कनेक्शन है। मैं बंगालीफाई हो चुकी हूँ। ओके। इकलौती पंजाबन जो बंगाली फिल्म्स में इतने सालों से गा रही है, और मुझे पता नहीं ये जो मोड आया मेरी जिंदगी में कैसे आया, पर इसे लाने वाले जो शख्स हैं उनका नाम मैं आज डेफिनेटली लेना चाहूंगी, जीत गांगुली दा। वाओ। मैं एक बार एक मुंबई में जो दुर्गा पूजा के फंक्शंस होते हैं तो मैं वहाँ पे गा रही थी, और उनकी वाइफ वहाँ पे थी ऑडियंस में जिन्होंने मुझे सुना, एंड शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग टू जीत दा। उन्होंने उन्हें कहा कि एक लड़की है वो फिल्मों में हिंदी में गा रही है पर एक बार ट्राई करो उसको। जी। तो बंगाली जिस तरह से बोली जाती है वो इतनी मीठी है, पर ओ का ओ हो जाए तो मतलब बदल जाता है। सब बहुत टेक्निकल, यू नो टू बी वेरी। अभी तो आपने काफी सीख ली होगी फिर। हाँ, एक टू बोलते पारी आमी। ओके। मैं बूझते पारी पुरोटा। अच्छा, ऐसा लगता है बोलने से पहले भी सुर देती है, सा रखना सा। जब हम लोग गए कितना कितना प्यारा बोलती है सुखी पाजी। आज तो सुखी भाई ने फुल स्लीव जैकेट पहना ना, इनके ना यहाँ पे बाइसेप पे एक माइक का टैटू है। ला दिया है? नहीं लाना नहीं, उतारना नहीं। जब से बॉडी बनाई उतारने को फिर रहे कपड़े। अर्चना बोल रही कभी जो माइक आपने बनाया कभी चेक किया? हेलो हेलो साउंड टेस्ट। नहीं नहीं, मैं जेन्युइन सवाल पूछता हूँ। ये मेरे को बोल रही थी कि उनसे पूछना कि शुरू से ही माइक था कि पहले किसी का नाम लिखवाया था, बाद में फ्रेंडशिप टूट गई तो आपने कहा कि इसको घुमा के माइक बना दे। सैन फ्रांसिस्को में एल्विस प्रेसले के चार माइक ऑक्शन में थे जो वो खुद यूज करते थे। वन वॉज गिफ्टेड टू मी। वाह क्या बात है। एंड ऑन स्टेज दैट माइक वॉज गिफ्टेड बाय सर स्पाइक ली। आई सांग फॉर हिज फिल्म इनसाइड मैन। ही सेड कि यू परफॉर्म काइंड ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, यू अटेम्प्ट सो नेचुरल। वो फिर जब मिला तो मैंने वहीं पे सैन फ्रांसिस्को में वही माइक फिर मैंने कर लिया। उसी माइक पे मैं आज भी पिछले 12-13 साल से उसी माइक पे परफॉर्म करता हूँ मैं। वाओ, मैंने देखा है वो माइक आपकी परफॉर्मेंस में। वाओ। अच्छा, आप सब लोग जो अपने फैंस के लिए पिक्चर्स डालते हो बाजी इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं कुछ। प्लीज हैव अ लुक। ये सलीम साहब ने फोटो डाला है, 6 years ago post a gig we had dinner at ओके सा हाउस, देन आई डिसाइडेड टू राइट बैक विद ओके। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। किसी ने लिखा है, प्रिय दो पहिया वाहन चालक, खुशखबरी, अब आप भी हमारे फूड डिलीवरी परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, जल्दी डीएम करें। और दिखाइए, जब आप गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो और पीछे उसका भाई आके बैठ जाए तो मन करता है स्कूटर को आग लगा दो। Yohani, I will translate for you. Yes. When you are expecting your girlfriend on the scooter and suddenly her brother came, you want to lit the scooter. Aur dikhaiye. Look, there's someone taller than me. Dikhaiye zara comments. Ab aaya oont giraffe ke niche. Sir ji, kahan giraffe mein atke ho? Apne yahan cheete aaye hue hain. रिप्लाई किसी ने किया है, अबे तो क्या चीते के मुंह में हाथ डाल दे। कितना टाइम होता है देखो लोगों के पास। और दिखाइए, ओहो सुखी पाजी, नॉट सीरियसली बट सिंसियरली, ये क्या हो रहा है भाई साहब जिम में? जरूरी नहीं कि हर कोई जिम बॉडी बनाने के लिए ज्वाइन करे, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी ज्वाइन करते हैं।
वाह, इन्हें देख के लग रहा है आज ये अंतरे से ज्यादा मुखड़े में इंटरेस्टेड है। वाह, व्हाट अ म्यूजिकल कमेंट। लोग जिम से बाहर पसीना लेकर निकलते हैं, ये हसीना लेकर निकलेंगे। और दिखाइए। ऑल वी नीड इज समबडी टू लीन ऑन। वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। विदेशों में इंसान की कद्र है। बिल्डिंग टेढ़ी बना दी फिर भी लोग फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने कमरे की दीवार टेढ़ी बना दी, मेरे पैसे काट लिए। मैडम मुझे भी लोग थोड़ा टेढ़ा कहते हैं, क्या आप मुझे भी संभाल सकती हैं? नॉटी फैन। और दिखाइए। अरे देख लो आप। आप कह रहे थे गोरी में मुंह से बात नहीं करते, और आप कह रहे थे अब हमारी संस्कृति हमारी ये दोनों संस्कृतियां किसकी हैं? बिकॉज इट वॉज सो मच फन, सम मोर क्लिक्स फ्रॉम द कांस फिल्म फेस्टिवल। क्योंकि बहुत मजेदार था कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 से कुछ और क्लिक्स। कमेंट्स देखते हैं। क्या बात है, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया वो वाली फोटो डालो। कुछ भी यार, दो पनीर टिक्के के बीच आलू ऐसा ही दिखता है। यार कुछ भी यार। ओहो वाह खान साहब, सूखे रेगिस्तान से सीधे हरियाली में। वाह, ओ कोई तो नीचे और ही बैठा है, मामे जी अपनी दो भांजियों के साथ। कुछ भी यार। और दिखाइए। डीएसपी साहब ने फोटो डाला है, ब्रेक द काज नॉट द जर्नी, मंडे मोटिवेशन। दिखाइए नीचे कमेंट्स। वेरी नाइस पिक्चर। कार को देख के समझ आ रहा है आपने हाथ क्यों फैलाए हैं। इनकी जीन भी इसी गाड़ी में फंस के फटी होगी। डीएसपी भी लाइक, अब मेरे गाने हिट हो गए हैं, अब मैं गाड़ी ठीक कराऊंगा। वाओ। और दिखाइए। जोहानी हैज पोस्टेड दिस पिक्चर। समथिंग कूल इज कमिंग, कुछ ठंडा आ रहा है। मैं अपने लोगों को भी बता दूं ना। ओके, लव्ड वर्किंग विद यू, वेटिंग फॉर मोर ग्रेट थिंग्स। वेरी नाइस पिक्चर योहानी। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। लगता है इनकी गाड़ी की हेडलाइट खराब है, इसलिए ये खुद आगे लाइट लेके बैठी हैं। अर्चना जी समझाइए इंग्लिश में, बड़ा लंदन होके आई आप। योर हेडलाइट्स ऑफ द कार नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई यू गॉट अ लैंप इन योर हैंड। वाह अर्चना जी, आज आपने हंसा दिया। मेरे को नहीं पता था आप बीए पास हैं। मैं तो और ना ना कुछ नहीं, इन्होंने फुटवेयर दिखाने हैं। शी जस्ट वांट टू शो हर फुटवेयर, इसलिए उठ के आई है। शॉर्ट नहीं लगा सुबह से इनका। आपके यहाँ आगे बैठ के रास्ता बताते हैं, हमारे तो गाड़ी में पीछे बैठ के भी बता देते हैं। हाँ जी अर्चना जी। Where you come from, do you have to sit in front on the bonnet of the car to show the way? In our place, we can sit at the back and show the place also. Show the way also. Thank you. और दिखाइए। We have such beautiful memories with filming Rabdi Saw in beautiful Amritsar. This song and video will always be very close to me. दिखाइए comments. सलीम सर भेड़ चाल चलते हुए। आपके कॉन्सर्ट में भीड़ तो बहुत देखी है, भेड़ पहली बार देख रहा हूं। नया स्वेटर लेने ये सीधा फैक्ट्री के पास आए हैं। और दिखाइए। सुखी बाजी, कश्मीर की वादियों से आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। व्हेन शुड आई पोस्ट इट, टुडे और टुमारो? कमेंट्स पढ़ते हैं। धोती बड़ी मल्टी कलर पहनी पाजी आपने। आपने बर्फ पे खड़े होके फोटो खिंचाई है, दम है तो बैठ के खिंचाओ। पंजाबियों का ऐसा ही है, बर्फ दिख जाए तो खुश हो जाते हैं। चीयर्स। सर जी इतनी सर्दी में तो धोती सुन्न हो गई होगी। अबे धोती नहीं सुन्न हुई होगी। और दिखाइए। आकृति ने फोटो डाला, क्लियर स्वीप, लेट द पिक्चर्स टेल यू हाउ मच मजा आई वाज हैड एंड हाउ मेनी मेमोरीज वर मेड। द वन एंड ओनली लेजेंडरी सौरभ गांगुली दादा। वेरी नाइस पिक्चर। दादा को पहली बार नाचते हुए देख रहे हैं हम। हाँ जी कमेंट्स दिखाइए। आकृति जी ध्यान से, दादा ज्यादा खुश होते हैं तो शर्ट उतार देते हैं। माय गॉड।
इतनी खुशी तो इनको मैच जीत के भी नहीं हुई थी जितनी आपके साथ गरबा करके हो रही है। सुंदर स्त्री किसी को भी नचा सकती है। और दिखाइए, डीएसपी साहब ने फोटो डाला, आफ्टर ए रॉकिंग शो इन न्यू जर्सी हैड अनदर रॉकिंग शो इन अबू धाबी। देखते हैं कमेंट्स। मुझे नहीं पता था फ्लाइट में भी वन रूम किचन मिलता है। जब आदमी पहली बार फर्स्ट क्लास में बैठता है तो ऐसे ही हर एंगल से फोटो खींचता है। और दिखाइए, योहानी ने ये पिक्चर पोस्ट किया है। इफ इट फिट्स आई सिट। सो क्यूट, बड़ी क्यूट है। दिखाइए कमेंट्स क्या क्या है। आओ मैडम, ये गाड़ी चिप्स के पैकेट में से निकली है या कोल्ड ड्रिंक के साथ मिली है? योहानी asking, did this car come out of a packet of chips or with a cold drink? आज पहली बार है हमारे सारे गेस्ट एक साथ हंस रहे, एक गेस्ट अलग से बाद में हंसती है, है ना? Wow, आज ये कार छोटी है लेकिन कुछ साल में जब ये बड़ी हो जाएगी तब आप इसे रोड पे भी निकाल सकती हैं। You want to explain to her? Right now this car is really small. When this car grows up and becomes a big car, then you can even take it on the road. Yes. Okay. You can. You definitely can. और दिखाइए। बस। क्या बात है? देखिए आज कितना important episode है। देखिए बच्चन साहब, अच्छा। अच्छा अच्छा। हमारे मामे खान साहब जो हैं, इनका आज शो है कहीं लाइव, इनको जाना है, पर मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फिर भी समय निकाल के आए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, सर 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 सर। अरे आप पहले तो सर 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 बोलते थे। अरे म्यूजिकल माहौल बना है, आज सर सर नहीं, सिर्फ सर 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 ही होगा। आज हर जगह से धुन निकल रही है, गिटार से, तबले से, ढोलक से, ईंट से। ईंट से कैसे म्यूजिक निकलता है? नहीं, मेरे किसी ने ईंट फेंक की मारी, मेरा खुद का सुर निकल गया। मन का ओ हो हो आ हा हा। सुखी जी, ऐसा जख्म दिया है कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आपने कहावत नहीं सुनी, जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? क्यों गए थे आप? मैं ऐसी कहावतें सुनता ही नहीं हूँ जहाँ मेरा खुद का नुकसान हो। ओहो श्रीलंकन, श्रीलंका से आई, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। योहानी जी आई हैं, क्या बात है, आप श्रीलंका से हैं? मुझे श्रीलंका की दो चीजें बड़ी पसंद है। क्या? एक श्री और एक लंका। लेकिन वाकई में आज दिवाली है योहानी जी, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये लीजिए यो। अब आप हो गए यो योहानी जी। क्या बात है ये। सच में, एक मिनट, आपको तो हिंदी आती नहीं है। आई कैन टॉक इन इंग्लिश। सच में, व्हाट टॉक हेड क्या? सर। सुखी जी, मैं एक बात कहूँ आपसे, आपको देख के मुझे मेरे गुरुजी की याद आ गई। वो भी ऊंचे सुर में गाते थे? नहीं नहीं, वो हिंदी बोलते बोलते अचानक बीच में इंग्लिश बोल देते थे। क्या बात है, ये अच्छा है। ये बार बार आप यू यू क्यों करते रहते हैं आप? अरे इसके बड़े फायदे हैं। कल मैं लाइव शो करने गया, जैसे मैं स्टेज पे गया ऐसे ऐसे करने लगा, ऑडियंस में से एक बंदा आया, मेरे हाथ में 3 बॉल रख दिया, मैं 3 घंटे जगलिंग करता रहा। तब मुझे पता चला जगलिंग में ज्यादा पैसा है। oh, क्या बात है। अरे बातों बातों में तो मैंने खाने के लिए आपसे पूछा ही नहीं। क्या मैं वो खा सकता हूँ? नहीं खा सकते आप। आए हो मेरी जिंदगी में मुझे ही टोकने। वाह, अखरोट मैं खाऊंगा, क्या बात है। क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है टूट नहीं रहा है। मैं अभी अपने हाथों से तोड़ता हूँ। टूट गया। कहाँ टूटा? नहीं नहीं, मेरा अंगूठा टूट गया। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, बाद में पट्टी करवा दीजिएगा। वैसे सलीम जी, सुलेमान जी, जैसे आप दोनों की अच्छी म्यूजिक ट्यूनिंग में जोड़ी है,
वैसे मेरा भी एक बड़ा भाई है। अच्छा, वो भी म्यूजिक देते हैं? नहीं नहीं, वो सनोदा का डुप्लीकेट बनता है। आप दोनों यहाँ पे आए हैं, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये नकली उदित नारायण बनते रहते हैं, असली उदित जी आपको कुछ कहते नहीं? वो क्यों मुझे कुछ कहेंगे, वही मुझे यहाँ भेजे हुए हैं। अच्छा? हाँ, जहाँ उन्हें कम पैसा मिलता है मुझे भेज देते हैं। देखिए, आप परेशान कर रहे हैं हमें एडिट नारायण जी। पिछली बार आप बोल रहे थे मेरे को जादू भी आता है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप। अरे जादू आज तो मैं दिखा के जाऊंगा। नहीं नहीं, दिखाना कोई जादू। तू हाँ कर या ना कर, मैं तो जादू दिखा के जाऊंगा। मेरा डंडा कहाँ है? अकड़ाई मच्छा। मेरी मुंडी नहीं गिरी, मेरी मुंडी। देख, बहुत बहुत नहीं, बैठे रहिए, अप्रिशिएशन की क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, डोंट बी फॉर्मेलिटीज। हेलो, क्या लाइव शो है शानुदा के साथ? अकेले हैं तो अकेले कर लेंगे, क्यों बुला रहे हैं? जी जी, पेमेंट कितनी है? मौका मिलेगा तो चाटा मार देंगे। 700 रुपये का पेमेंट होती है? 800 में डन कीजिए। मैं निकला डंडा लेके, हो You know, Yohani, when you were, you know, entering on the stage, I thought some school girl bunked her school and just came to watch the live shoot. You're so young, I mean. So, have you heard some of our Bollywood songs also? I'm not that young, but yes, of course, I have heard a lot of Bollywood songs. Oh! ओहो साहब, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक। दिवाली देने आए हैं सब। ठीक है, आते ही मांगना शुरू कर दिया आपने? मांग नहीं रहा हूँ, ये मैंने दिया है। ये देखिए, दिया इको फ्रेंडली दिया है। ये कमाल का दिया है ये। और ये मुंह भी ऐसा है, जितना मर्जी मार लो कभी सोचता नहीं है। हर शो से मार खा के आते हैं ये। ये झूठ बोल रहे हैं, जहाँ शो नहीं होता मैं वहां भी मार खाता हूँ। हाय माशाल्लाह, उस्ताद घर छोड़ दास। घर छोड़ दास इनका नाम है, उस्ताद इनकी चिड़ है। चिड़ के लोग इनको उस्ताद कहते हैं, वैसे रखा हुआ है उस्ताद, कोई उस्ताद नहीं है, झूठ बोलते हैं। आप इनको सब ये सब ना बताएं, ये मेरी मैटरनिटी के लोग हैं। मैटरनिटी के नहीं, फ्रेटरनिटी के लोग। आप फालतू बकवास कितनी क्यों करते हैं आप? कितना बड़ा मुंह है आपका, मूछें कितनी बड़ी हैं, आंखों के ऊपर भी मूछे रखी हैं आपने। आप करने क्या आए इधर आप? अरे साहब, धनतेरस है तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इस धनतेरस पे कुछ बर्तन दूं। अच्छा। सुखी साहब, आप ये मुझे अपने शेरवानी दे दें तो मैं आपको 2 कटोरे दे सकता हूँ। ये क्यों देंगे भाई? तो ठीक है, 2 चम्मच भी दे देता हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता साहब, मुझे 2 ग्लास देके DSP साहब का पजामा भी लेना है। तो बेडशीट बड़ी अच्छी पहनी आपने साहब। बेडशीट अच्छी। सुखविंदर जी, जैसे आप बड़ा ही ऊंचा लेवल पे गा जाते हैं, मैं भी बहुत ऊंचा गाता हूँ, सेम। उनके ऊंचे सुर लगते हैं, जब ऊंचा गाते तो मजा आता है। आप जब ऊंचा गाते तो लगता है लोमड़ी रो रही है, पता है कितना गंदी साउंड निकलती है आपकी, भेड़िया जैसी आवाज आती है आपकी। ऐसे ही कुछ भी, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। हाँ, ये ठीक कह रहे थे, निकलती लोमड़ी जैसी है, लेकिन इसके लिए भी बड़ा रियाज चाहिए साहब। आकृति जी, जी आपको पता है संगीत बड़े दिल की चीज है, इसमें रियाज लगता है जी। रियाज करने के बाद भी ऐसी लोमड़ी जैसी आवाज के लिए भी रियाज चाहिए होता है। मैंने म्यूजिक के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या क्या किया? सॉरी, क्या मेरे से गलती से लग गया, मैंने म्यूजिक के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। अब हमें संगीत विरासत में मिला है। पूरी बात बताइए उनको, घुंघरू मिले सिर्फ विरासत में? इनके दादा परदादा जो है मुगलों के दरबार में घुंघरू पहन के नाचते थे। झूठ बोल रहे हैं ये, वो मेरे नाना थे। म्यूजिक से याद आया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं।
यार प्लीज बच्चन साहब देख रहे हैं मेरी, उनके सामने इज्जत रखा कीजिए। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कुछ सुना सकता हूँ साहब? चलो चलो। कितनी बार करेंगे ये आप? नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो यहाँ मत मारना प्लीज। मैंने दिवाली पर नए पर्दे डलवाए हैं तो मेरे को। इनको कुछ आता नहीं बाजी, म्यूजिक का इनको सिर्फ बातें आती हैं बस। ये कैसी म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताओ नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। अरे वो किधर गए? कौन? वो मामी खान साहब। वो आपकी मामी को मिलने गए। चले गए। यार मामी खान साहब जी अगर होते तो मुझे उनका वो राजस्थानी फोक सुनना था, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कौन सा? खेसरिया बल्ब? नहीं नहीं वो नहीं, वो ऊँट ऊँचा पूँछ ऊँची ऊँची पूँछ ऊँची। फोक नहीं है वो टंग ट्विस्टर है। क्यों? तभी मैं कहूँ मैंने राजस्थान में फोक कह के सुनाया, उन्होंने मेरे हाथ पे ट्विस्ट क्यों कर दिए? दैट वाज द रीजन। ओके ओके तो साहब अब मैं जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा कंसर्ट है। जैसे आप बड़े बड़े एक्टर्स को आवाज देते हैं वैसे ही मैं दिवाली पे पटाखों को आवाज देता हूँ। तो मैं आपके सामने जरा दिवाली के पटाखे पेश करूंगा, आपने गैस करना है कौन से हैं। हाँ ओके ओके ओके। तो पहला पटाखा मैं पेश कर रहा हूँ, ये बताना है आपको ये कौन सा है, ठीक है? आकृति जी आपने जरूर बताना है। ये देखिए यार क्या कर रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं आप। ये कौन से पटाखे की आवाज थी यार? पटाखे चल रहे, प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, पीछे पीछे हो जाए, दूर दूर हो जाए। किसी को डर लगे कान में उंगली डाल लेना, डरना नहीं है। कोई पेट्रोल पी के तो नहीं आया? नहीं। चलिए दूसरा यह पटाखा बताइए। ये कौन सा था? अनार। अनार हाँ। ये केला है, पटाखे चलाते चलाते भूख लग गई मेरे को। चलिए ये वाला बताइए। चक्री चक्री चक्री। चक्री नहीं हाँ। पुलिस आ गई कह रही 12 बजे तू पटाखे चला रहा है। के आगे भी ऐसी ही है आवाजें तुम्हारे पास? नहीं मैं जाने से पहले 12 बजने वाले हैं हाँ? तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि दिवाली साथ में सेलिब्रेट का जश्न मनाया जो। सुखी पाजी बड़ी देर हो गई, कुछ हो जाए जो आपका मन करे पाजी आज, प्लीज प्लीज पाजी। कभी कभी कोई एक गाना मुझे तंज करता है, मुझे थोड़ा सा टीज करता है, तो ये फैशन फिल्म का जलवा सॉन्ग। ओह वाओ। ये सलीम सुलेमान आपके सामने हैं, इन्होंने कंपोज किया है। थैंक यू। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज अगर वो परफॉर्म कर सके मेरे साथ में। चलो भाई। गाना गाने से पहले एक सरप्राइज है, मैं 2-3 टप्पे गाने वाला हूं, उसके पहले मैं एक कलाकार को मंच पे बुलाना चाहूंगा। सो दोस्तों बिग हैंड टू मिस्टर कपिल शर्मा। ओ पाजी माफ करो, मैं नहीं, मुझे माफ कर दो, आपके साथ थोड़ी हमको। अरे नहीं नहीं दारा मैं थोड़ा गाना नहीं आना नहीं कुछ भैया, आते सही है की मैं की कहूंगा, मेला लग गया। तो हमारे दोस्त जी भाई साहब है, सीनियर एग्जेक्टिव, क्या हाल है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम उमाकांत चौधरी है और मैं पुलिस में ACP हूँ। अरे वेलकम चौधरी साहब। थैंक यू। और हम लोग पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं यहाँ ग्रुप में, मेरी वाइफ हैं, ये भी इंस्पेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत जी। मेरे दोस्त हैं, ये भी इंदौर में ACP हैं, इनकी वाइफ भी इंस्पेक्टर हैं। अरे वाह वाह क्या बात है, वाह मियां बेबी दोनों ही पुलिस वाले। सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस के लिए बहुत ही यूजफुल है आपका शो, और आप इसे बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि आपके फादर साहब पुलिस में रहे जी। इतना टेंशन होता है हर समय, इतना स्ट्रेस होता है, और जब हम ये म्यूजिक सुनते हैं या आपका शो देखते हैं जी, इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है,
So hats off to you, sir. बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए. मैं अपने दर्शकों से एक बात सांझी करना चाहता हूँ. बिकॉज पुलिस वाले का बेटा होने के नाते मुझे कुछ अंदर की चीजें पता है. पुलिस महकमा एक ऐसी थैंकलेस जॉब है जिसमें कोई ऑफिशियल छुट्टी होती नहीं है पुलिस वालों को. और ये दिन रात जो है ये कभी भी उठ के जाना पड़ सकता है. मैंने अपने फादर को देखा है. सो हमें ये जान के बड़ी खुशी हुई सर, हमारा शो की वजह से अगर आपके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आती है, हम आपका मनोरंजन कर पाते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है. एसीपी साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. ओहदे में आप एसीपी थोड़े बड़े होते हैं, पर वैसे वो बीवी हैं. सर, तो फिर घर में इंचार्ज कौन है? सर, सभी को पता है घर में इंचार्ज कौन होता है. घर भी लौट के जाना है सर. नमस्कार कपिल जी. नमस्कार मैम. आपका जो प्रोग्राम है, हम सारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारा जूनियर स्टाफ लगातार देखते हुए आ रहा है. और हम ये चाहते हैं दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करें, उन्नति करें. शुक्रिया आपके आशीर्वाद. अनंत समय तक आपका प्रोग्राम चलता रहे और हम लोग यूं ही स्ट्रेस रिलीव होकर और देशभक्ति और जनसेवा करते रहे. थैंक यू मैम, शुक्रिया. अच्छा, आप सारे पुलिस वाले हैं, ये साथ में कैदी भी आप ही लेके. जी, सबसे पीछे एक भाई साहब खड़े हो. ओए होए, अबू धाबी से स्मगलर आए हैं. अच्छा, डांस करना है आपको, आइए. वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? बढ़िया. रिस्पेक्टेड कपिल जी, सुफिंदर जी, अदर्स, जो भी सभी का थैंक्स. अगर मैं आज स्टेज पे खड़ा हूँ तो शर्मा जी की बदौलत खड़ा हूँ. नहीं नहीं, आपने जबरदस्ती हाथ खड़ा किया. ठीक है, मुझे हौसला मिला है केवल इस स्टेज पे आने का आपकी बदौलत. शुक्रिया सर जी. क्योंकि आई एम फैन इन कपिल शर्मा एंड गोविंदा. ओह वाओ, मैं सोच रहा था मेरी खराब इंग्लिश, आपका तो बेड़ा ही करके है. वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जिनको आप बच्चन साहब कहते हो. अच्छा, हम जीजा साला हैं दोनों जी. वाह वाह, ब्रदर इन लॉ बच्चन साहब, इधर गोविंदा जी. छोटे भी हैं, बड़े भी हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्टेज की कसम लगे आपके ब्रदर इन लॉ पीछे. मुझे पता क्या कह रहे थे, कहते ऐसा लग रहा है इसको करंट लग गया है, ये सब बोल रहे थे. आपके ब्रदर इन लॉ कैसे लगते हैं? जीजा जी हैं साला, कैसे? इनकी सिस्टर मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ये तो मुझे अच्छे लगेगा. तो इनकी सिस्टर आपके साथ मैरिड? हाँ जी, मेरे साथ. ओके ओके, तो क्या सोच के इनको बहन दिया आपने? नहीं नहीं यार, आप बड़े प्यारे हो, बड़ा मजा आया बात. शुक्रिया सुजीता साहब. और कोई हमारे मित्र? जी मैडम. नमस्ते सर. सर, मेरा नाम मेधा चतुर्वेदी है. रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. जी मैम प्लीज. मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है. वो मेरा कपिल, मेरा कपिल, मेरा कपिल कहती रहती है. मम्मी जी नमस्कार. बहुत सर, बहुत वो आपके लिए इतना रोती हैं कभी कभी. जब आप बीच में, आपका लॉकडाउन हो गया था और शो नहीं आ रहा था, तो मम्मी बोल रही थी बोलना मत ऐसे, कि सच में वो आपकी बहुत बड़ी फैन है. शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए. ये मेरी आंटी है गोरखपुर से आई. हेलो जी, गोरखपुर वाली आंटी, बहुत बहुत स्वागत है. सर, आप मेरे ससुराल वालों को हाय कर दीजिए प्लीज. हेलो जी ससुराल वालों. मेधा के ससुराल वालों, बहुत अच्छा गाती मेधा. सर, मैं म्यूजिक टीचर हूँ. अच्छा, वाह, जो आपने हरकतें ली ना, मुर्गियाँ ली छोटी छोटी, वो उससे पता चल गया था. बहुत बहुत धन्यवाद मेधा. थैंक यू सो मच सर. आकृति जी, क्या कहें आपको, पता ही हम क्या कहना चाहते हैं. क्या कहना चाहते? आपकी मधुर आवाज में जो आपका मन करे. ओके, तो एक साल पहले एक गाना मैंने रिलीज किया था जिसका नाम था थोमकिया थोमकिया. अच्छा जी. वो है तो हिंदी गाना, पर हम लैंड करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत बंगाली फोक सॉन्ग पर. और उस गाने को इतना बेइंतहा प्यार मिला, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ओरिजिनल्स बहुत वक्त के बाद रिलीज कर रही थी. अच्छा, मैं डीएसपी साहब के बारे में एक बात बताऊं. आपने इनके गाने सुने अभी हाल ही में, और इन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत गाने किए हैं, लेकिन पुष्पा के बाद मेरे एक मन में सवाल आता था. मैंने कहा पुष्पा जितनी बड़ी हिट हो गई है, अब जब कभी आप दाल चावल खाते हैं और चम्मच नीचे गिर जाए तो आप उठाते हैं कि आप कहते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं? एक गाना हो जाए डीएसपी साहब. एक डांस बहुत अच्छा करते हैं. बहुत बहुत ओके. सो पुष्पा के बाद मैंने अभी एक मेरी पहली हिंदी म्यूजिक वीडियो किया है. इट्स कॉल्ड ओ परी. रणवीर सिंह सर हैड रिलीज्ड इट, एंड दिस इज द फर्स्ट. आई नेम्ड इट #VIP बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट
pan-Indian pop music. Wow. So I'm making it in all languages. And Ranveer Singh sir launched the Hindi version. Kamal Haasan sir launched the Tamil version. And Nagarjuna sir launched the Telugu version. And the next, this coming week, we are doing in Kannada and Malayalam. All the very best to you. Thank you so much. My bro. Thank you, you sir. You are our very own Michael Jackson. कितना अच्छा गाते हैं, म्यूजिक देते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं. सुपर ब्रो. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गाइस. क्या बात है यार. ही इज रियली फैंटाबुलस. थैंक यू सर. वाओ वंडरफुल. और इससे पहले कि आज की शाम का समापन किया जाए, हमारे सुखी पारी से अर्ज करना चाहूंगा, कुछ हो जाए यार. तो आइए इसी माहौल को बरकरार रखते हैं. मजेदार को सलीम साहब, सुलेमान साहब, एक स्टेज के लिए ना स्पेशली भप्पी दा का गाना डिस्को डांसर, तो सलीम सुलेमान भाई ने उसको रीअरेंज किया है अपने हिसाब से. मैं चाहूंगा कि भाई ये हमने एज अ म्यूजिकल सारेगामा के साथ हम पेश कर रहे हैं और ये पहली बार एक म्यूजिकल लंदन में प्रीमियर होने जा रहा है एज अ ब्रॉडवे शो. तो डिस्को डांसर जो बहुत ही मशहूर फिल्म 80s की बड़ी मशहूर फिल्म थी बी सुभाष जी की जी, जिसको मिथुन दा ने कमाल का, आपने तो काफी लोगों ने देखी होगी ऑफ कोर्स, जिमी जिमी आजा आजा, तो वही सब गाने याद आ रहा है तेरा प्यार, आई एम अ डिस्को डांसर, औवा औवा, एक से बढ़कर एक गाने हैं बप्पी लहरी जी ने कंपोज किए हैं और हमने भी दो ओरिजिनल गाने बनाए. इसमें हम पहली बार लंदन में एज अ ब्रॉडवे शो पेश कर रहे हैं. Thank you. Good night. Shubh Ratri. Thank you very much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.